भेड़िया वर्सेस स्त्री नहीं बल्कि भेड़िया वर्सेस वैम्पायर। जी हाँ, तो अपने मोटा भाई ने अपने जियो स्टूडियोज के इवेंट में दिनेश वेजांस के सिनेमैटिक यूनिवर्स की आने वाली दो मूवीज के बारे में बताया है, जो कि थी स्त्री 2 और भेड़िया 2, जिसपे लोगों का सोचना था कि भाई जब भेड़िया के पोस्ट क्रेडिट में स्त्री का मेंशन हुआ था तो दैट मींस कि हमें भेड़िया वर्सेस स्त्री देखने को मिल सकती है क्या। मगर भाई मेरा यहाँ पे ये मानना है कि अभी हमें भेड़िया वर्सेस स्त्री नहीं बल्कि भेड़िया वर्सेस वैम्पायर देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई तुम सब ये बात जानते हो कि पॉप कल्चर में सदियों से वेयरवुल्फ और वैम्पायर आर्च नेमेसिस हैं। दोनों एक दूसरे से एकदम गंदा वाला नफरत करते हैं और दोनों अपना डोमिनेंस इंसानों पे दिखाना चाहते हैं। जहां वैम्पायर्स बहुत ही कोल्ड, सोफिस्टिकेटेड और इंटेलिजेंस के साथ काम करता है, वहीं वेयरवुल्फ नोच खा जाने वाला अनप्रेडिक्टेबल एज फक खूंखार जानवर है, जिसमें दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों को कभी पूरा प्यार नहीं मिल पाता। तो मुझे तो यही लगता है कि दिनेश वेजांस का यही प्लान होगा कि भेड़िया वर्सेस स्त्री की जगह अभी आयुष्मान खुराना की वैम्पायर मूवी को डेवलप करके आगे चल के हमें भेड़िया वर्सेस वैम्पायर देखने को मिलेगी।